आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट जालीदार रवा ढोकला यानी सूजी का ढोकला, जो खाने में होता है बहुत ही स्वादिष्ट और बनाना होता है इसे बहुत ही आसान। ये इतना सॉफ्ट जालीदार और इतना बढ़िया बनता है, बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा और आपका भी रवा ढोकला एकदम परफेक्ट सॉफ्ट नरम जालीदार बनेगा। और रवा ढोकला बनाने के लिए हम बहुत बहुत कम तेल का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी रवा ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बोल, और बोल में हम डालेंगे एक कप बारीक वाली सूजी। सूजी यहाँ हमें बारीक वाली चाहिए होगी। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी है तो आप मिक्सी में थोड़ा सा उसको चला लें और उसको इस तरह से बारीक कर लें। मेजरमेंट के लिए आप एक कप या एक बाउल सेट कर लें और उसी से सारी चीजें लें। और अब इसमें हम डालेंगे एक कप दही, यानी जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप से आप दही ले लें। दही हल्का सा खट्टा हो तो और भी बढ़िया। जैसे मैंने यहाँ दही लिया है, आप छाछ भी ले सकते हैं, तो अगर आप छाछ ले रहे हैं तो आप दो कप ले लें। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे दो छोटी चम्मच ऑयल, ये बहुत ही जरूरी है, इसको डालने से जो ढोकला है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो बिल्कुल दो छोटी चम्मच डालेंगे, और वही चम्मच यानी एक छोटी चम्मच डालेंगे हम चीनी, जो इसको बढ़िया सा फ्लेवर देगी खट्टे मीठे का। अगर आप चीनी नहीं लाइक करते तो ना डालें। मैंने अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो घोल है वो काफी गाढ़ा है। हमें जो इसका घोल तैयार करना है ना, वो बिल्कुल इडली बैटर जैसा, जैसे इडली के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का हमें गाढ़ा घोल तैयार करना होगा। तो मैं डाल रही हूँ लगभग दो बड़े चम्मच पानी, बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और परफेक्ट, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम घोल को लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे जो सूजी वगैरह हमने डाली है ना वो बढ़िया से फूल जाए। तो जब तक बैटर हमारा कर रहा है रेस्ट, फटाफट तैयारी कर लेते हैं दूसरे स्टेप की। ढोकले को स्टीम देने के लिए आप रखिए गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई। अगर कढ़ाई नहीं है तो बड़ा भगोना ले सकते हैं, या कुकर भी लिया जा सकता है। तो इस तरह कढ़ाई में आप डालें दो ग्लास पानी। मैंने दो ग्लास पानी डाल लिया है, और अब इसमें बीच में रख देते हैं इस तरह का स्टैंड। अगर ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी उल्टी करके रख दें। मीडियम हाई फ्लेम पर हम पानी को बढ़िया से उबलने देंगे और लगा देंगे इस पर लेट। और ढोकला बनाने के लिए अब हम ले लेते हैं इस तरीके का केक टिन, कोई भी टिन ले लीजिए। अगर आपके पास स्टील का बोल है इस तरीके का तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्टील की थाली भी ले सकते हैं। तो टिन पर डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की, और अच्छे से कर देंगे इसको ग्रीस, जिससे कि जो ढोकला है वो बिल्कुल चिपके नहीं और आसानी से निकल आए। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है। इसमें सिर्फ एक छोटी चम्मच में डाल देती हूँ पानी, और अच्छे से इसे कर लेंगे मिक्स, और इसकी कंसिस्टेंसी को कर लेंगे मीडियम थिक। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की। और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे एक छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट, लगभग इसमें एक छोटी चम्मच होता है। आप चाहे तो ब्लू वाला, जो रेगुलर वाला इनो फ्रूट सॉल्ट होता है, वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा भी डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा एक छोटी चम्मच पानी। देखिए ये एक्टिवेट हो गया ना, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही ये आपको फूला फूला सा फील होने लगेगा। ये देखिए कितना फ्लफी सा हो गया है। और जब भी इनो फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसी कोई चीज बैटर में डालते हैं तो उस बैटर को फिर रखते नहीं है, तुरंत ही हमें अपना ढोकला बनाना होगा। और अब हम बैटर को डायरेक्ट जो हमने ग्रीस करके रखा था ना टिन, उसमें हम डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद बहुत ज्यादा टैप नहीं करेंगे, वरना जो इसमें एयर बबल्स बने हैं वो सारे निकल जाएंगे, फिर हमारा ढोकला उतना बढ़िया फूलेगा नहीं। पानी भी बिल्कुल बढ़िया बॉइल हो गया है कढ़ाई में। इस स्टैंड पर इस तरह से हम टिन को रखेंगे, इस पर लगा देंगे इस तरह से लिड। अब अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में भी आप इसी तरह बना सकते हैं, भगोने में भी, और आप चाहें तो जो इडली स्टीमर होता है उसमें भी आप इस प्रकार बना सकते हैं। हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें स्टीम लेंगे। टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सभी की कढ़ाई का साइज, बर्नर सभी अलग होते हैं, तो बीच में एक बार आप जरूर चेक कर लें। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। वाओ, देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा रवा ढोकला एकदम फूल करके बढ़िया तैयार हो गया है। अब आप एक लें चाकू और इस तरह से इसमें बीच में डालकर चेक करें कि हमारा ढोकला बढ़िया से बना है नहीं। परफेक्ट, ढोकला एकदम बढ़िया बन गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, और फिर हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको
सर्व करेंगे। तो जब तक हमारा रवा ढोकला हल्का सा ठंडा हो रहा है, फटाफट से बना लेते हैं एक फ्लेवरफुल तड़का। तो उसके लिए गैस पर आप रखें एक तड़का पैन और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स और 1 पिंच हींग। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सफेद तिल, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। और अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिनको मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है, लंबाई में कट कर लिया है। और डालेंगे थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच नींबू का रस जो हमारे रवा ढोकले को देगा एक बढ़िया सा फ्लेवर। और इस तड़के में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो जो रवा ढोकला है वो गीला हो जाएगा। इस तरह से तड़का बना करके डालें, गैस को ऑफ करेंगे, तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। तो नीचे ढोकला हो गया है हमारा हल्का सा ठंडा और ये देखने से ही लग रहा है कि ये कितना स्पॉन्जी बना होगा। अब आप लीजिए एक चाकू और चाकू को इस तरह घुमा लीजिए और इसके साइड्स को इस तरह से घुमाते हुए अलग करिए। बहुत ही इजीली इस तरह आपका रवा ढोकला निकल जाएगा। अलग करने के बाद आप लीजिए इस तरह एक प्लेट इसके ऊपर रखिए और इसे घुमाइए और इसके ऊपर कीजिए हल्का सा टैप और टैप करके धीरे से टिन को हटा लीजिए। वाव सुपर्ब, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी जाली से ही समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त सॉफ्ट और देखिए हिल रहा है। एकदम जालीदार परफेक्ट रवा ढोकला तैयार हुआ है। आप इसको इस रेसिपी से जरूर जरूर ट्राई करें। तो इसको मैंने कर लिया वापस से सीधा और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं जो तड़का हमने तैयार किया था ना बढ़िया सा, उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से पूरे तड़के को आप फैला लें बढ़िया से। तो चलिए इसे कर लेते हैं कट और देखिए मेरे काटने से ही लग रहा है ना ये कितना जबरदस्त सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। जिन लोगों को बेसन ढोकला पसंद नहीं होता ना उनको ये रवा ढोकला तो बहुत ही पसंद आता है। यहां से भी कर लेंगे कट। इसको देखने से ही पता चल रहा होगा कि एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार हमारा ढोकला तैयार हुआ है। और ये लीजिए हमारा परफेक्ट स्पंजी नरम सॉफ्ट जालीदार इंस्टेंट रवा ढोकला। ऐसा है कि जब आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगा, इतना बढ़िया हमारा ये ढोकला तैयार हुआ है। ये देखिए आप इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया या फिर आप फ्रेश नारियल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ रवा ढोकला को सर्व किया है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल करके क्योंकि मेरे घर में सबको इसी तरह बहुत पसंद है, बिना चटनी के भी सब इसी तरह खा लेते हैं। और आपने देखा कि इसमें कितना कम ऑयल यूज होता है, एकदम हेल्दी टेस्टी रेसिपी है जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व करें, चाहे हरे धनिये की चटनी, मूंगफली की चटनी, नारियल चटनी, टमाटर चटनी, सभी मैंने आपके साथ शेयर की है। सभी चटनी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है। और बेसन ढोकला जालीदार कैसे बनाएं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो वीडियो भी आप जरूर देखें।
तो उम्मीद करती हूँ क्विक एंड इजी इंस्टेंट रवा ढोकले की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी जरूर जुड़ें। सभी रेसिपीज की डिटेल आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।